अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीएससीए टीवी और मैं हूं उमर बख्त। 23 मार्च 1940 को बरसग़ीर में बसने वाले मुसलमानों ने लाहौर मिंटो पार्क के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौके पर अपने लिए एक अलग खित्ते के मुतालबे की करारदाद मंजूर की थी। करारदाद लाहौर जो बाद अज़ां करारदाद पाकिस्तान के नाम से मौसूम हुई, पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद करार दी जाती है। 23 मार्च का दिन हर साल अहले पाकिस्तान उस जज्बे के साथ मनाते हैं जो पाकिस्तान के क्याम की वजह बनी। आइए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर से बात करते हैं कि वो इस दिन के बारे में क्या जानते हैं। ताकि करारदादे पाकिस्तान का मतन क्या था? उसका मतन ये था कि मुस्लिम अक्सरियती सूबों की सरहदों में रद्दबदल करके नई आज़ाद रियासतें कायम कर दी जाएं। आज के दिन के हवाले से 23 मार्च के हवाले से एक मिली नगमा वो गुनगुनाती हूँ। वतन की माटी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की माटी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। जैसा कि हम अपने डिपार्टमेंट में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जान और माल कुछ भी कुर्बान करना पड़ा तो हम कुर्बान करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। ये वतन हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दे के हमें ये वतन दिलवाया, हमें भी अपने वतन के लिए उस तरह ही कुर्बानियाँ देनी चाहिए और उसके लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए कि ये वतन हमारा उसी तरह ही कामयाब रहे। मैं एक शेर जो है वो अर्ज़ करना चाहता हूँ पाकिस्तान की मोहब्बत में। अब कर्ज़ है हम पर मट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का, तकदीर करें, तदबीर करें, आओ वतन तामीर करें। 23 मार्च को हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग लाहौर मिंटो पार्क में इकट्ठे हुए थे, जिसे मौजूदा इकबाल पार्क भी कहते हैं। वहाँ मौलवी फजल हक साहब ने एक अलग रियासत की करारदाद पेश की और उसी की याद में मीनार पाकिस्तान को तामीर किया गया, जो तकरीबन 8 साल की मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा, और आज भी मीनार पाकिस्तान हमें उसी दिन की याद दिलाते हैं। करारदाद पाकिस्तान ये 23 मार्च 1940 को एक अहद किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि जो मुसलमानों के अक्सरियत के इलाके हैं बरसगीर में, उनको एक अलग आज़ादाना रियासत बनाया जाए, जो कि शुमाल मशरकी इलाके और शुमाल मगरबी इलाके थे, ताकि मुसलमान जो हैं वो आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सकें। मैं अपने एहसास और अपने जज्बात को एक शेर की फॉर्म में बयान करूँगा। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ डगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाहे गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत।